हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। आप देख रहे हैं गैग टैग। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग से स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में आप जो अपना SBI का योनो ऐप यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने योनो ऐप लॉगिन कर लेनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम दे देना और नीचे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेनी है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है माई अकाउंट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए चार पांच ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट का ऑप्शन है वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जहाँ लिखा है व्यू डाउनलोड स्टेटमेंट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपने इस पर एरो वाले बटन पर क्लिक कर देना और अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपसे ये डेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको किस डेट से किस डेट तक स्टेटमेंट निकालनी है। तो यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मुझे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चाहिए, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो व्यू है और दूसरा है डाउनलोड। अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। या फिर अगर आप केवल व्यू करना चाहते हैं, यानी कि ऐप में आप देखना चाहते हैं, तो आप व्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी स्टेटमेंट, यहाँ पर टाइम डेट रेंज आ रही है, अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल आएगी सारी। ठीक है, डेट रेंज आ गई, ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। यहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शन जो भी करी हैं आपने इस महीने में, वो सारी आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पॉपअप आ गया है, PDF डाउनलोडर सक्सेसफुली, टू व्यू द PDF प्लीज यूज़ द 11-डिजिट अकाउंट नंबर एज पासवर्ड विदाउट स्टार्टिंग 0। यानी कि ये बोल रहा है कि जो PDF डाउनलोड हुआ है वो आपका पासवर्ड उसमें प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। उसको खोलने के लिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो उसमें डालना होगा। अगर आगे कोई 0 लगा हुआ है आपके अकाउंट नंबर में तो उस 0 का प्रयोग ना करें। यानी कि जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको डाल के आप उसको खोल सकते हैं PDF को, लेकिन आगे अगर कोई 0 लगा हुआ है तो 0 नहीं डालें। तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे, आपकी स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो मेरी स्टेटमेंट डाउनलोड हुई है। मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए अभी डेट आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है 9:37, 5 फरवरी को मैंने ये स्टेटमेंट डाउनलोड करी है। ऊपर आप मेरे फ़ोन में टाइम देख सकते हैं, 9:38 हो रहा है, ये अभी अभी डाउनलोड हुई है। तो इस तरीके से ये PDF है, मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, जो कि पासवर्ड है मेरा अकाउंट नंबर, तो उसको मैं यहाँ डालूँगा तो ये मेरा स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सिंपल प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके अपने अकाउंट की खुद से ही स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ़ोन से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।